तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एकदम भजिया तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं एकदम लाल हो चुकी है। मस्त कर रहे हो। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग बरसात के मौसम में खाने जा रहे हैं भजिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारिश का पूरा मौसम हुआ है चारों तरफ। और चलिए आपको दिखा देता हूँ हमारे बावर्ची साहब जो कि भजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं किचन में और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अली भाई जो कि प्याज काट रहे हैं और भजिया बनाने की तैयारी हो रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और घर में कोई नहीं था तो इसलिए घर में कोई नहीं। मौसम भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बरसात का मौसम हो रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दूध है और यहाँ पे नमकीन है, मतलब एकदम तैयारी हो रही है। बस हमारे अली भाई तैयारी करने में लगे हुए हैं। बनाए तो सोचे कि घर में कोई नहीं है कि आज कुछ अपने से ही किया जाए, तो अभी बावर्ची लगे हुए हैं। तो आप लोग आगे व्लॉग एंजॉय करिए। आज देख सकते हैं यहाँ पे कीमा निकाला जा रहा है जो कि फ्रिज में रखे रखे जम गया है। तो हमारे अली भाई बड़ी मुशक्कत से कीमे को अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली प्याज कट चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद कीमा धुलने की तैयारी हो रही है जो कि हमारे अली भाई कर रहे हैं प्रोसेस सारा। देख सकते हैं आप लोग समीर भाई जो वीडियो जो बना रहे हैं इनकी सबसे बड़ी गलती आदत यही है। हाँ, उस फिलहाल जो करने वाले थे ना बस मोबाइल ले। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कीमा एकदम रेडी हो गया है, अब बस भजिया बनने की तैयारी करने वाले हैं हम लोग। आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे बनती है और क्या बनती है। वैसे पहली बार अली भाई बना रहे हैं लेकिन बन जा रहे थे काट दिए। तो गाइस पहली बार बना रहे, देख सकते हैं आप लोग कैसे बनती है, आप लोग देखेगा। और ये अपनी लाइफ में पहली बार बना रहे हैं भजिया। हाँ जी भाई, हाँ पहली बार बना रहे हैं, देखिए कैसे बनाते हैं ये, आपको दिखाएंगे लास्ट तक देखिएगा व्लॉग। तो गाइस वैसे अली भाई घर में कोई नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं सारा घर एकदम खाली है, सिर्फ हम हैं हमारे बावर्ची भाई। आप लोग देख सकते हैं जो भजिया बनाने की तैयारी कर रहे हैं अंदर, बस हम ही दो लोग हैं, वो भी एकदम बरसात के मौसम में भजिया और चाय का मजा लेने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। तो रहते हैं तो बैठे-बैठे मूड बन गया, बैठे-बैठे मूड बन गया। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस चालू होने वाला है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे तो एकदम रेडी हो चुकी है, बस इसको अब फेंट के उसके बाद चूल्हा चढ़ाना है, फिर उसके बाद हमारी भजिया तैयार हो जाएगी। आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको भी खिलाया जाएगा भजिया, भजिया और चाय, और साथ में ये रही चांदनी नमकीन, ये भी स्पॉन्सर है। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी कटौती हो चुकी है, हमारे पास कोई आइटम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं भजिया एकदम रेडी है। और हम लोग पहली बार किचन में आए, कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ ढूंढा जा रहा है क्या कुछ मिल रहा है। अली भाई पूरी मशक्कत कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि ढूंढ के निकालें जो आइटम चाहिए हमको, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मसाला कर ले ना दिखता, पूरा मसाला एकदम तैयार है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अली भाई हमारे फेंटने में लगे हुए हैं एकदम। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मसाला बन के तैयार है, अब कढ़ाई चढ़ानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूल्हा भी एकदम रेडी है, बस कढ़ाई चढ़ानी है अब।
फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बेसन तैयार है और यहाँ कढ़ाई भी रखा चुकी है और बस बनने की तैयारी। आप लोग पूरा व्लॉग एंजॉय करिए। और अब बावर्ची अली भाई यहाँ पे बाजार चुके हैं जो कि ये बनाएंगे हम लोग के लिए भजिया। और देख सकते हैं बावर्ची एकदम रेडी है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे फेंटा जाता है। तो सीखिए इनसे और इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो देखो आप लोग और भजिया लास्ट तक खा के जाना। तो देख सकते हैं ऐसे फेंटा जाता है इनको। तो कहा था ना फेंटे कि पहली बार है, पहली बार है तो गाइस पहली बार है लेकिन एक्सपीरियंस आओ तो लेकिन तो फेंके आवत है। चल वे कढ़ाई एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं एकदम पहली 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 भजी एकदम जाने वाली अंदर। अबे रुक कुछ है अलना है बे। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे, अबे बस छोटी छोटी भाई है भाई। आई नो योर पहला एक्सपीरियंस बट स्माइल ब्रो स्माइल। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे पहली भजिया एकदम जा चुकी है अंदर, देख सकते हैं एकदम उबलने की कगार पे। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी एकदम भजिया तय जा चुकी है और यहाँ पे अली भाई डाल रहे हैं यहाँ पे। तो व्लॉग को एंजॉय करो और देखो लास्ट तक, आपको दिखाएंगे भजिया पूरी बनी हुई और साथ में चाय भी रहेगी और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी है और साथ में नमकीन भी है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे एकदम भजिया तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं एकदम लाल हो चुकी है। यहाँ पे बेसन रखा हुआ है और हमारे बावर्ची कीमे के साथ है। हाँ गाइस ये कीमे के साथ है, देख सकते हैं कीमे वाली भजिया है। आप लोग ये शाकाहारी मत समझिएगा, ये मांसाहारी भजिया एकदम। तो हम लोग इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं हम अली भाई, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बावर्ची बनने वाले हैं इंशाल्लाह। और कुछ नहीं रह गया था यार, तो घर पे लोग कोई नहीं तो चले बावर्ची। तो देख सकते हैं अगर किसी को भी अपनी शादी ब्याह या बर्थडे वगैरह जहाँ पे भी खाना बनवाना है तो इन्हें संपर्क करिए, हम इसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो गाइस ज़रूर इनको संपर्क करिए, बहुत ही बेहतरीन खाना पकाते हैं। ठीक है, ठीक है अली भाई। हाँ तो गाइस देख सकते हैं हमारे भजिया में नमक कम हो चुका है और यहाँ पे पहली भजिया अली भाई चख रहे हैं जिसमें नमक है ही नहीं। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये पहली भजिया है जिसका आधा टुकड़ा अली भाई पेट में गया है और आधा टुकड़ा अभी मेरे पेट में जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पे नमक डाला जा रहा है, नमक नहीं है गाइस लेकिन ठीक बनी है, टेस्ट है ना, कुक है गाइस कुक है, बस नमक नहीं है। तो फाइनली फाइनली हमारी भजिया देख सकते हैं निकल चुकी है, पहली पहली पारी जो पहली घार होती है वो निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। और बावर्ची भाई अली भाई और कांटेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पे चाय उबल चुकी है और यहाँ पे हमारी भजरी अभी रेडी है और हमारे बावर्ची भाग गए जो कि काम चोर है, बावर्ची काम चोर। तो गाइस हम फूंक रहे हैं, तो गाइस चाय उबल रही है लेकिन पता ही नहीं कैसे कैसे इसको नीचे करें। तो बावर्ची, तो गाइस चाय एकदम रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं और कप इधर है और अली भाई इधर हैं जिन्होंने देख सकते हैं यहाँ पे भजिया पूरी जला दी है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भजिया पूरी जला दी है और यहाँ पे भजिया भी निकालने वाले हैं या और नमकीन और हम और हमारे अली भाई जो कि बावर्ची। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग शाम से बना रहे हैं और यहाँ पे रात हो चुकी है, पूरा अंधेरा चारों तरफ, सिर्फ चाय गाइस चाय देख सकते हैं आप लोग चाय। और यहाँ पे रहा दो गिलास, देख सकते हैं
आपको पूरा लास्ट में आपको दिखाएंगे क्या क्या आइटम बनाया गया हम लोग। तो हम लोग जा रहे हैं अब हाल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इतना आइटम आ चुका है, प्लस इसके साथ साथ अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे कि एक और आइटम है यहाँ पे। हम आ चुके हैं फ्रिज में आपको दिखाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, मतलब हम लोग इसको बोलते हैं पेप्सी, नहीं क्या है बे, यस गाइस पेप्सी। तो ये रहा आइटम तैयार। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली पूरा एकदम रेडी हो चुका आइटम, खाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं कैसी भजिया बनी, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भजिया, नमकीन, चाय और कोल्ड ड्रिंक सब एक साथ, ठीक है, और हमारे अली भाई। तो अभी खाते हैं उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है गाइस। पीटने उठने के बाद अली भाई का पेट भर चुका है और हमारा भी। तो गाइस देख सकते हैं आज का व्लॉग इतना ही था, देख सकते हैं गाइस इतनी सारी भजिया बच गई है और नमकीन जो लाया था वो ऐसे ही वैसे है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई, चाय ख़त्म हो गया है, मतलब ये सब पीने वाला आइटम सब ख़त्म हो चुका है, बस यही भजिया बची है और हमारे अली भाई जो कि टेढ़े हो चुके हैं काफ़ी के टेढ़े हो चुके हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।